वेलकम टू माई चैनल ट्रैवलर्स तानिया। आई होप आप लोग सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैं वैष्णो देवी दर्शन करके शाम की आरती भी अटेंड की थी और फिर डॉर्मिटरी में जाके थोड़े देर रेस्ट करने के बाद अभी सुबह 4:15 हो रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं रोप वे के लाइन पे लाइन देने के लिए। तो हम लोगों के पास कल का टिकट था रोप वे का ऑनलाइन, बट वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम बिकॉज अपना हेलीकॉप्टर डिलेड था तो हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। इसीलिए हम लोगों को वापस लाइन दे के ऑफलाइन टिकट्स लेके भैरवनाथ दर्शन करने जाना था। तो अगर आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग मिस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां जाके भी चेक कर सकते हैं और आगे के व्लॉग्स देख के ज़रूर बताइएगा आप लोगों का दर्शन कैसा रहा। और अपनी हाजिरी लगाना मत भूलिएगा जय माता दी कमेंट करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुबह 4:30 बजे भी यहाँ पे जो हलचल है लगता ही नहीं है कि सुबह के 4:30 बज रहे, लग रहा है शाम का 4:30 हो रहा है। तो यहाँ पे भवन में 3 लाइट्स लगे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के, एक है रेड, एक है गोल्डन और एक है ब्लू। तो उसके सारे क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे फोटो शेयर की हूँ, वो ज़रूर देखिए और फिर मैं वापस आती हूँ और सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। और साथ में कमेंट्स में ज़रूर जय माता दी लिख के अपनी हाजिरी लगाइएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वैष्णो देवी यात्रा का ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं सुमित कुछ क्लिप्स क्लिक किए थे तो अभी चलिए हम लोग आगे जाते हैं। तो यहाँ पे जो रोपवे का लाइन है वो ऑफलाइन अगर आप फर्स्ट लाइन में लेना चाहते हो, लाइक इट्स ओपन एट 7, तो अगर आप उस टाइम की टिकट्स निकालना चाहते हो तो आपको एज सून एज पॉसिबल आपको जाके यहाँ पे लाइन देना है। तो हम लोग यहाँ पे लाइन में पहुँचे थे सुबह के 4:30 बजे, बट तब तक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइन बढ़ गई थी। तो ये जो आपको यहाँ पे एक लाइन के लिए चैनल टाइप का दिख रहा है, इसके अंदर से लाइन स्टार्ट होती है। तो ये ऑलरेडी यहाँ से आप काउंटर पकड़ लो और 700-800 मीटर दूर है, आपको बहुत सारे टर्न्स चैनल्स के अंदर से जाना होता है। तो यहाँ से आपको एक पूरा भवन का दर्शन हो जाएगा और साथ में अभी सनराइज़ हो रहा था तो एक सुंदर और बहुत ही पावन दृश्य है। आप लोग भी इसके मज़े लीजिए, तब तक मैं जाके लाइन में जल्दी खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लाइन मिस नहीं करना है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कंबल ओढ़ के सब सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को रूम नहीं मिला था। तो अभी सुबह के 5 बज गए हैं, हम लोग रोपवे के लाइन में लगे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6:30 बजे काउंटर खुलता है और 7 बजे से रोपवे स्टार्ट होता है केबल का। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, आप लोगों के साथ मैं आपको शेयर करती हूँ। तो डॉर्मिटरी वाज एक्चुअली कम्फर्टेबल, वहाँ पर इतना अच्छा नींद आया, लाइक मन कर रहा था थोड़ा देर और सो जाते, बट थोड़ा टाइम का लिमिटेशन था इसीलिए हम लोगों को निकल के आके लाइन लेना पड़ा बिकॉज हम लोगों का कल का रोपवे का टिकट था बट हेलीकॉप्टर इतना डिस्टर्ब हो गया था एंड डिले हो गया तो वो रोपवे का टिकट हम लोग यूज़ नहीं कर पाए। तो आज हम लोगों को फिर से ठीक है, चलिए आप लोग चलिए आगे कब खुलती है काउंटर वो सारे डिटेल्स में शेयर करें। तो यहाँ पे जो है कि लाइन स्टार्ट हो गई थी लेकिन अभी ऑनलाइन जो टिकट्स लाइन था वो स्टार्ट हुई पहले, जब वो पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर ऑफलाइन टिकट्स का लाइन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे कितने ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जिसमें आपको एक एक टर्न ले लेके फिर जाके टिकट काउंटर का जो बिल्डिंग है आप उस पर एंटर कर सकते हो। लेकिन दिस इज़ रियली नाइस ये जो ऐसा सिस्टम है चैनल का, बिकॉज इसमें जो भीड़ है आपको उतना पता नहीं चलता, एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन लाइन में आप जा सकते हो। सो दिस सिस्टम इज़ डेफिनेटली नाइस। और यहाँ से भी भवन का एक दर्शन मिलता है वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा और आगे लाइन में जब मैं लास्ट ये टर्न में जाऊँगी वहाँ से आपको दर्शन अच्छे से दिखेंगे। तो यहाँ से पावन भवन देख कितना अच्छा लग रहा था, आप लोग जय माता दी बोल के ज़रूर अपनी हाजिरी लगा लीजिएगा। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे टिकट काउंटर्स है। तो यहाँ पे आपको बस 100 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा फॉर अप एंड डाउन बोथ। तो यहाँ पे ऐसे टिकट्स लेने के बाद फिर आपको ऐसे डाउनवर्ड्स जाना होता है क्योंकि जो केबल कार का मेन स्टेशन है वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको एक स्लोप से ऐसे नीचे जाके फिर यहाँ पे भी बहुत सारे राउंड्स कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। बट देन ओवरऑल द कम्प्लीट सिस्टम वॉज वेरी ऑर्गेनाइज। तो इतना भीड़ रहते हुए भी आपको टाइम लगा बट इट वॉज मच मोर ईजी। तो यहाँ हम लोग जहाँ लाइन में खड़े हैं उसके ऊपर से ये केबल कार्स अप एंड डाउन जा रहे थे तो अंदर भीड़ पूरा दिख रहा था। सो यस वी वर रियली एक्साइटेड क्योंकि अब हम लोग का टर्न आ रहा था टू गेट इन टू द केबल कार। सो यस वी वर देयर। तो एक केबल कार में दे टेक ऑलमोस्ट अराउंड 70-80 पीपल एट अ टाइम एंड दे विल टेक यू अप एंड डाउन। आते टाइम भी इतने ही लोड लेके वो फिर नीचे की तरफ आते हैं। तो आपको ये केबल कार से जो भवन का पूरा पहाड़ों के साथ जो एक दर्शन होता है दैट इज़ ऑल्सो रियली
पीसफुल एंड वेरी नाइस, तो ये दर्शन यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड वेदर उस टाइम थोड़ा ख़राब था, बारिश हो रहा था शाम को, तो इसीलिए ये जो केबल कार का जो ग्लास है वो थोड़ा हेजी है, बट आप लोग इस यहाँ से दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जय माता दी बोल के हाजिरी भी लगा लीजिए। तो इस केबल कार में आपको ऊपर जाने में मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स लगेंगे और आप आराम से इतना लंबा जो यात्रा है 3 किलोमीटर्स का भवन से भैरवनाथ की, वो 7 to 8 मिनट्स में कर सकते हो। ऐसे जो रास्ता है वो वहाँ से भी आप आ सकते हो, बट वो थोड़ा ज़्यादा स्टीप है। यू कैन डेफिनेटली कम, वहाँ पे आपको घोड़े भी मिल जाएंगे, पालकी भी मिलते हैं, बाकी आप ऐसे केबल कार से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे भैरवनाथ के तरफ केबल कार स्टेशन में। यहाँ से एग्जिट करके आपको ये जो आप सामने टर्न देखोगे वहाँ से आपको राइट टर्न लेके ऊपर के तरफ जाना है। इट्स जस्ट अ 2 मिनट वॉक यहाँ से मंदिर तक, और भैरवनाथ मंदिर के पास आपको लंगर की सेवा भी मिलेगी और साथ में श्राइन बोर्ड की तरफ से डिस्पेंसरी फैसिलिटी भी है। अगर किसी को कोई भी तरह की तबीयत खराब फील हो या कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे भैरवनाथ और हम लोगों को यहाँ पे पहले प्रसाद लेना था, लेकिन प्रसाद लेने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से बोल देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत मंकीज है, तो आप अगर कोई भी प्रसाद ले रहे हो या कोई भी आपके हाथ में सामान है जस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे बंदर आपके हाथ से कभी भी आके कुछ भी लेके जा सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे लंगर भी अगर आपको जाना है इसी डायरेक्शन में जाना होगा और यहाँ पे आपको प्रसाद की भी दुकान मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दो तरह के प्रसाद के दुकान है, एक श्राइन बोर्ड के अपने दुकान है और यहाँ पे कुछ प्राइवेट दुकान भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस दुकान से प्रसाद ले लिया था। तो भैरवनाथ के पास ऐसे काला चोला और तेल और साथ में ये काला धागा चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे आपको तरह तरह के पैकेजेस में मिल जाएंगे। जैसे हम लोगों ने लिया था 50 रुपीज में एक एक पैकेट का, वो पूरा प्रसाद का सेट आता है वो ले लिया था। आप लोग यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार सिर्फ तेल या सिर्फ चोला या सिर्फ काला धागा, आपको जैसा मन है वैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट में लंगर काउंटर भी मिल जाएगा और साथ में एक भोजनालय भी है छोटा सा, जहाँ पे आप कॉफ़ी बिस्किट्स ये सब ले सकते हैं। और ये जो लंगर है यहाँ से नीचे की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन लंगर का यहाँ पे जो टाइम है वो सुबह के 7 बजे से शुरू होता है, दोपहर के 3 बजे तक, और फिर 1 घंटा बन जाने के बाद फिर शाम को 4 बजे से रात के 12 बजे तक ये लंगर सर्विसेज यहाँ पे मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और आके बहुत शौक थे यहाँ की भीड़ देख के, यहाँ पे भवन से भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो चलिए कोई नहीं, आए हैं तो दर्शन करना ही है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि माँ के दर्शन के बाद अगर आप भैरवनाथ का दर्शन ना करो तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। तो हम लोग भी यहाँ आके लाइन में लग गए थे, ये लाइन में हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 आवर लगा था, बट अच्छे से उसके बाद दर्शन बहुत अच्छे से हुआ था, मन खुश हो गया था इस दर्शन के बाद। तो इसी के साथ हम लोगों के सारे दर्शन कंप्लीट हो गए थे और हम लोग अभी जा रहे थे वापस रणजीत रथ के तरफ, क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न हेलीकॉप्टर टिकट्स भी ले लिए थे। तो हम लोग अभी यहाँ हत्ती मत्था जो रास्ता है वो मार्ग से जा रहे थे। ये वैष्णो देवी की सबसे पुरानी रास्ते में से एक है जहाँ से पहले दर्शन के लिए आना पड़ता था। तो यहाँ से हेलीपैड जो है वो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है, 3.5। तो पहले आपको संजी छत क्रॉस करके वहाँ से हेलीपैड जाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल रही थी ना मंकी से बचने के लिए, देखिए यहाँ पे कैसे क्यूट तो लग रहे थे, लेकिन जब हाथ से सामान छीन लेते या अटैक करते तो डर तो ज़रूर लगेगा। तो डेफिनेटली बी केयरफुल ऑफ दीज मंकीज। तो यहाँ पे आप लोग जो भीड़ देख रहे हैं सामने, ये भीड़ है क्योंकि यहाँ से कटरा पूरा शहर नीचे दिखता है, तो ये एक टाइप ऑफ व्यू पॉइंट है। तो सबको यहाँ से नीचे के नज़ारे ले रहे थे और साथ में थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए व्यू देखने के लिए और सच में यहाँ से नीचे का नज़ारा इतना ज़्यादा सुंदर था, क्योंकि पूरा कटरा शहर, और अगर विंटर्स के टाइम आप आओ तो यहाँ से थोड़े बहुत आपको माउंटेन पीक्स भी विद स्नो दिख जाते हैं। तो चलिए फिर आगे अपनी जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि अब जल्दी जाना है नीचे, होटल जाके रेस्ट करना है। सो यस, ये रास्ते बहुत ज़्यादा पतले हैं, यहाँ से आपको घोड़े के भी भीड़ मिलेंगी, बिकॉज जो कटरा से घोड़े ऊपर आते हैं इसी रास्ते से आते हैं। तो ये जो साइड में पैकेज दिख रहे हैं, ये पैकेज घोड़े के खाने के लिए इसमें सामान रहता है, सो दैट घोड़े जब आते हैं दे कैन हैव देयर फूड हियर। तो चलिए अभी चलते हैं आगे।
जय माता दी बोलते हुए, क्योंकि अब जा रहे हैं घर वापस, तो मन में ये हमेशा रहता है कि जल्दी फिर से माँ बुलाए और हम लोग वापस आके दर्शन करें। और यहाँ से आते टाइम ऐसा लगता है कि हम अपना घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं, तो मन बहुत भारी तो रहता है, लेकिन साथ में एक सुकून भी होता है कि माँ को इतने अच्छे से हम लोग दर्शन कर पाए। तो यहाँ पर हम लोग संजी छत के पास आ रहे थे, तो आपको यहाँ पर रास्ते में भोजनालय, वॉशरूम, सारे सर्विसेज भी मिलेंगे। आप आराम से इस मार्ग से यात्रा करके ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो ये जो संजी छत है, यहाँ से अगर आप लेफ्ट को जाते हो तो आप वापस अर्धकुमारी होते हुए कटरा पहुँच सकते हैं। हम लोग राइट को जा रहे थे बिकॉज हम लोगों को हेलीपैड पहुँचना था। तो मैंने और रिटर्न का जो हेलीकॉप्टर जर्नी था वो कैप्चर नहीं किया, बिकॉज ऐसे तो हेलीकॉप्टर में यू आर नॉट अलाउड टू शूट, और साथ में आपको हेलीकॉप्टर जो ऑफिस एरिया है वहाँ पे भी आप अपने कैमरास में कुछ वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपना वीडियो यहाँ तक ही रखा है यात्रा पे। तो आप लोग भी अपने मन से जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और आई होप आप लोगों को भी बहुत जल्दी बुलावा आए। और माता जब बुलाती है तो ज़रूर आना ही पड़ता है, सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है माता के बुलावे से। So yes, we were here and we are going back with this hope कि माता फिर हम लोगों को बहुत जल्दी बुलाएगी और फिर हम लोग बहुत जल्दी माँ के दर्शन करेंगे। So चलिए आगे आप लोगों से नीचे कटरा पहुँच के बात करती हूँ। तो हम लोग जब कटरा पहुँचे उस टाइम टाइम हो रहा था सुबह के साढ़े नौ, तो हम लोग सोचे कि एक ही बार ब्रेकफास्ट करके जाके रेस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे डोसा खाए, और क्योंकि कल रात के बाद से कुछ भी नहीं खाए थे, तो ये खा के जाके हम लोग अच्छे से होटल में रेस्ट किए। और फिर हम लोग शाम को साढ़े छः सात बज रहे थे उस टाइम, हम लोग सोचे कि नहीं थोड़ा निकलते हैं, थोड़ा आसपास ऐसे ही राउंड मार के आते हैं मार्केट से। तो कटरा शहर की एक अलग ही खूबसूरती है। आप शाम को कभी भी, दिन में किसी भी टाइम अगर आप बाहर मार्केट एरिया में ऐसे आते हो, देन यू कैन सी यहाँ पे एक अलग ही हलचल रहता है। कोई यात्रा पे जा रहा है, कोई यात्रा कंप्लीट करके आ रहा है, प्लस यहाँ पे बस स्टैंड एरिया है, तो यात्रियों को आते जाते आप देख के मन एक खुश होता है। जो लोग यात्रा में जा रहे हैं उनके अंदर की भक्ति और जोश देख के एक अलग ही मन को खुशी मिलती है। तो बस यहाँ पे हम लोग भी थोड़ा ऐसे चौक में, ये मेन कटरा मार्केट की चौक है, यहाँ से बस स्टैंड भी एकदम सामने है, तो यहाँ पे हम लोग भी थोड़ा सा घूमे और उसके बाद सोचे कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि वही जो सुबह साढ़े नौ बजे ब्रेकफास्ट किए थे उसके बाद हम लोग कुछ नहीं खाए थे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग आके एक फ्रूट जूस लिए, एंड स्वीट जूस के साथ कैसे नज़ारे थे आप देख सकते हो, दिख रहा था और पूरा मार्ग दिख रहा था यात्रा मार्ग। तो उसके साथ हम लोग अपना फ्रूट जूस एंजॉय किए और फिर हम लोग गए आलू टिक्की चाट पाव भाजी এখানেই খেলে হয় এখন কিছু এরকম নিয়ে ডিনারটা প্যাক করে নি, ততক্ষণ ডমিনোজ কাল খাবো। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग आ गए रूम पे, आज है 15 जून, और आज हम लोग दर्शन करके नीचे आए अराउंड उस टाइम हो रहा था 10। आप लोगों के साथ मैंने पूरा यात्रा शेयर किया है, अगर आई होप आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम विथ ऑल माई अपडेट्स। तो बस अभी यात्रा हो गई, सो एक अलग सुकून होता है यात्रा के बाद, तो दर्शन जब हो जाए तो लगता है कि यस वी हैव डन इट फाइनली। हम लोग जब तक आप दर्शन ना हो, एक कहीं ना कहीं एक रहता है कि क्या पता कैसे होगा, कब होगा, वो एक डाउट रहता है। बट माता बुलाई है तो ज़रूर ही दर्शन देंगी। बट यस, एक बार के लिए जब हेलीकॉप्टर पूरा डिले हो रहा था एंड बंद था सर्विसेज, वी वर इन अ बिट डाउट एंड कन्फ्यूजन कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो वो उस टाइम थोड़ा लग रहा था कि कैसे क्या होगा, बट वही माता की अगर इच्छा हो तो आपको वो बुला ही लेगी चाहे जैसे हो। और इसीलिए बोला जाता है माता अगर बुलाती है तो आपको सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा। सो यस, वी हैव डन आर दर्शन दिस टाइम, और मैंने आप लोगों के साथ सारा डिटेल्स शेयर किया है, और हम लोग कौन से होटल में हैं, होटल का जो रूम है, रूम टूर, सारा कुछ वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। ये ब्लॉग में ऐड करूंगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एंड आई वांट टू कीप दिस ब्लॉग ओनली फॉर यात्रा। सो वी एंजॉयड अ लॉट इन द होल यात्रा, आप लोगों ने भी सारा डिटेल्स देखा है। अब मैंने जितना हो सके इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है,
अगर आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन कुछ ज़रूरत है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद माय बेस्ट इंफॉर्मेशन दैट आई हैव. सो यस, कल का दिन अपने पास है 16 जून, एंड 17 को वी आर रिटर्निंग बाय वंदे भारत, सुबह 5:50 की ट्रेन है. सो वो भी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. एंड 15 को हम लोग ऐसे तो और कहीं आसपास जाने की टाइम नहीं होगी बिकॉज ओनली वन डे वी हैव, एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है. सो वी विल बी जस्ट एक्सप्लोरिंग कटरा में आसपास मार्केट, घर के लिए थोड़ा गिफ्ट्स वगैरह लेना है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी. सो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अपना हाजिरी जय माता दी बोल के लिखना मत भूलिए. और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.